सामने जो भैया आ रहे हैं ना, इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट दिया। सामने मिल गया जय बजरंगबली जी। आज चलिए सोलो राइड, खाना वाना कुछ नहीं खाया। नागपुर शहर में आपका स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो रात को पहुंच गए थे छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद इस घर में हम रुके थे। तो यहाँ की लोकेशन देखो, ये सिटी आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ी हर चीज़ की सुविधा आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अगली हमारा टारगेट है नागपुर का। नागपुर यहाँ से 125 किलोमीटर है और सुबह के बज चुके हैं 9, तो लग तो रहा है टफ है। 125 किलोमीटर हमने आज तक नहीं चलाई, मैंने 100 किलोमीटर भी बहुत कम चलाई है। तो 125 किलोमीटर का टारगेट आज बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए। तो निकलते हैं, 9 बजे निकल रहे हैं, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। यहाँ पे हम रुके थे भाई जी के वहाँ पे, तो इन भैया का मतलब हम यहाँ पे सो गए थे। सोने के बाद खाना वाना लंच हमारा आ ही गया था, तो लंच वंच कर लिया था, रात को डिनर कर लिया, सॉरी डिनर कर लिया था। तो इन भैया जी के वहाँ पे रुके थे, तो भैया चलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो निकलते छिंदवाड़ा से आगे की तरफ निकलते, 125 किलोमीटर है आज, तो चले। यहाँ पे रुके हैं फाइनली, पहले अभी रास्ते में रुके हैं, पहले चाय पी लेते हैं, सुबह सुबह चाय पी के निकलते हैं, क्योंकि आज 125 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। देखते हैं आज पैरों की बहुत हालत ख़राब होने वाली, क्योंकि लाइफ में मैंने आज तक 100 किलोमीटर भी चलाई, 125 किलोमीटर चलानी है। तो महाराष्ट्र तो हम पहुँच जाएंगे, पर नागपुर पहुँचते नहीं पहुँचते वो पता नहीं। तो चलते हैं, पहले चाय ही पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। इन भैया ने सामने जो भैया आ रहे हैं ना, इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट दिया कि रास्ते में खा लेना। तो इन भैया ने चाय वाय के पैसे भी देने दिए और बिस्किट भी दे दिया रास्ते के लिए। तो थैंक यू भैया। भाई जी चाय वाई पिए निकल गए हैं आगे की तरफ, और बिस्किट विस्किट रख लिए अपने बैग में। अब आगे बिस्किट सही सा आ रहा है अपना आज का, तो देखते हैं। धूप आज भी तेज़ होती जा रही, क्योंकि यहाँ तो गर्मी लगी थी रात को। यहाँ पे हमने रात को पंखा चला के भी सोए थे, रात को कहते कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ठंड का तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो आगे जितना जाते रहेंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, और धूप आ गई है और 9:30 बज चुके हैं, तो आगे की तरफ बढ़ते रह रहे हैं। देखते हैं कितना किलोमीटर डिस्टेंस पार होगा, 125 का टारगेट है कि नागपुर पहुँच जाए। आई होप भाई जी सामने दिखा रहा है नागपुर 121 किलोमीटर, और हैदराबाद रायपुर तो 121 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो चलते हैं अभी। भाई सामने मिल गया जय बजरंगबली जी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है भगवान जी की, तो अंदर मंदिर है शायद यहाँ पे। तो नागपुर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे रास्ते में हमें भगवान जी दिख गया, हनुमान जी। तो हनुमान जी की तो हम भागते हैं, और हनुमान जी हमें दर्शन भी दे दिया आज। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जो हनुमान जी मुझे दर्शन दे देते हैं, कहीं ना कहीं से मुझे दर्शन मिल ही जाते हैं। और सामने आज दर्शन मिल गए, और इतनी विशाल मूर्ति के साथ मिले हैं। तो नागपुर आज 125 किलोमीटर है, तो भगवान जी आज ये सफ़र मेरा अच्छे से तय करवा देना, और मेरे को कोई कठिनाई ना आए मेरे साथ। अपना फ्रेंड तो बहुत आगे निकल चुका है, और उसने बड़ा नागपुर पहुंचना है। मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजेस है कि यार नागपुर कैसे पहुंचूंगा। वो तो खिलाड़ी है भाई, वो बहुत टाइम से कर रहा था, उसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो साइकिल चला लेता है, तो मुझे नहीं है। मैंने तो 80-85 ऊपर चला ही नहीं आज तक। तो देखते हैं भाई के टारगेट को पूरा कर पाते नहीं कर पाते, पर वो मेरे से 1-1.5 घंटा ही पहले पहुँचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले तो इतना ज़्यादा नहीं है। 1-1.5 घंटा पहले पहुँचेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उतना सफ़र अकेले तय कर लूँगा जब तक लास्ट में। निकलते हैं अभी आगे की तरफ। आज वो ढलान नहीं है, डाउन है आज, और पूरा जंगल सूखा पड़ा हुआ है, तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो ढका हुआ है अपने आप को। आज थोड़ा कवर करके चलते हैं, आज से कुछ बेनिफिट मिल जाए शायद। तो देखो पूरा जंगल सूखा पड़ा है यार यहाँ की साइड, तो और आज ढलान नहीं है, डाउन है यार। तो 125 किलोमीटर आई होप हो जाए आज, देखते हैं कितना डाउन है। मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर डाउन होगा ही होगा, बाकी देखते हैं कितना हुआ। आज चलिए सोलो राइड, तो भाई भी अकेला कर रहा, मैं भी अकेला कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ने मुझे बोल दिया मैं तेरे लिए बार बार नहीं रुकूँगा। तो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो बार बार नहीं रुक सकता था, उसकी बात भी सही थी। तो उसने बोला मैं नहीं रुकूंगा बार बार, तो वहाँ पे रुकाऊँ। तो यहाँ पानी वानी पी रहा हूँ, ये पानी था, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है, तो पानी पी रहा हूँ। 11:30 हो रहे हैं, तो अभी हमने 2 घंटे में 45 किलोमीटर खेच दिया आज। तो आज थोड़ी जान है लग रही है, थकान महसूस होने लग रही भाई। 50 किलोमीटर चल गया 2.5 घंटे के अंदर, बहुत ज़्यादा होता है यार 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर यार, बहुत ज़्यादा। रोड अब धूप ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 12 बज गए, धूप बढ़ती जा रही है। खाना कुछ नहीं खा गया भाई सुबह से, तो देखते हैं कुछ होगा तो तभी खा पाएंगे, ना तो आगे बढ़ेंगे। आज पूरा कवर करना है, 125 किलोमीटर का टारगेट ले लिया मैंने भी अपने आप से, तो चले। 74 किलोमीटर अभी भी है, 1 बज चुका है, 74 किलोमीटर अभी पड़ा हुआ है, देखो कितना पार कर पाते हैं अभी भी। 74 बहुत होता है, 61 किलो पार करा है, 61 किलोमीटर अभी हम आगे गए बस। 2 बज गए हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है, तो मेरे को आज किलोमीटर डिस्टेंस पार करना ही करना है। तो दूसरी बार पानी के लिए रुकाऊँ पेट्रोल पंप पे, पैक पी गए पेट्रोल पंप पे रुकाऊँ, पानी पी रहा हूँ यहाँ पे, पानी पी के काम चला रहा है। पी का बॉर्डर चेक पोस्ट पार कर दिया है, तो आगे तरफ बढ़ गए यहाँ से। तो अभी बहुत है, मेरे ख्याल से 60-65 किलोमीटर बचा हुआ मेरा, और 2 बज गए पूरे,
तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, गर्मी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है भाई। ओहो इतनी ज़्यादा हालत तो मेरी कल भी नहीं ख़राब हुई, आज जो ज़्यादा ख़राब हुई है। 25 किलोमीटर चलानी ना, क्या हालत हो रही है यार। साइकिलिस्ट को यार सैल्यूट है भाई, भगवान का सैल्यूट। जितने भी साइकिलिस्ट हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच्ची सपोर्ट करो यार। बट टाइम हो रहा है 2:25 और ये मंदिर है, इस मंदिर पर रुको, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई है। 70 किलोमीटर मैंने 2:30 बजे तक चला दिए, तो सोचो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये तो पूरे दिन का शेड्यूल होता था मेरा 70 किलोमीटर, मैंने अभी 2:30 बजे तक ये चीज़ पूरी कर दी है। उसके बाद ही अभी मेरा बहुत ज़्यादा बाकी है यार, 60 किलोमीटर बाकी है, पूरा 60 किलोमीटर बाकी है, 2:30 बज गए हैं, कैसे करूँगा। हालत मेरी डाउन हो गई, अब पूरे ऐसा हो रहा है पसीने लगता हो गया यार, बहुत टफ है यार लाइफ। कुछ इजी नहीं है भाई, ये भी इजी नहीं है, ट्रैवल्स करना बहुत इजी नहीं होता भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में सर्वाइव कर रहा हूँ वो मुझे पता है, मैं इतना वीडियो के अंदर पूरा नहीं दिखा सकता आपको कि कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है भाई। सामने आ गया ट्रोल, और ये ट्रोल पार करेंगे, दूसरा ट्रोल है ये जो हमें मिला है। भी 4 बज गए भाई, 80 किलोमीटर पार कर चुका हूँ, 80-85 समथिंग कुछ कर दिया पार, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, बहुत ज़्यादा है। देखोगे उस पर 7 वाले बंदे के पास था सब कुछ खाने वाला, मेरे पास कुछ नहीं था तो इसलिए मैं खा नहीं पाया। चलो कोई नहीं, और नागपुरी पहुँच के खाएंगे सीधा। आज के 125 पूरा करना है बस, मैंने ये टारगेट मैंने मन में लिया हुआ है, उसे पूरा करता हूँ। सपोर्ट करो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लग रही है मुझे, और धूप देखो कितनी गंदी गर्मी हो रही है भाई, पूरी रोड खाली है, हाईवे की रोड है, बताओ हाईवे की रोड खाली है भाई जी। 4:30 हो गए हैं, और 4:30 बजे तक अपना रह गया 23 किलोमीटर। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे कि मैं 102 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक 4:30 बजे तक भाई, तो मौज आ गई भाई, पहली बार तैरा मैंने इतना। तो चलो अभी 23 किलोमीटर और बचा है, 23 या 22 किलोमीटर, इसे भी कवर करते हैं इसे जल्दी से, 6 बजे तक मार दूँगा पूरा आज भैया। सुबह से साइकिल राइड कर रहा हूँ, सुबह शाम के 5 बज गए, 110 किलोमीटर मैंने पार कर चुका हूँ अभी, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर रह गया हुआ है यहाँ नागपुर ना, 110 किलोमीटर में पार कर चुका हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, एक चाय पी थी, तो चाय पीने के बाद भाई ने खुद से रोक लिया, मेरा खुद से बनता कि मैं कुछ खाऊं, भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सोचा नागपुर में खाऊंगा, पर इन भाई ने मेरे को रोक लिया। तो कुछ ऐसे ही लोग भगवान बन के आते हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ, इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना भाई, कसम से आपने रोका, अच्छा लगा, तो भूख लग रही थी बड़े तेज़। भाई आपका नाम? विजय। नाम और आपका? संजय। यहीं से हो? हाँ। अच्छा, तो इन भाई के पास खा रहे हैं, क्या भैया क्या बना रहे हो? पुलाव भैया। पुलाव है, तो क्या नाम है आपका? बादल। बादल, तो यहाँ पे क्या नाम था गाँव का? पेपला। तो यहाँ पे रुक के भी खाना खाते हैं, तो चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। 5:30 बज गए हैं, और 110 किलोमीटर कवर कर दिया मैंने, 15 किलोमीटर रह गए, तो अभी खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आ रहे थे उन भाई, मिल गए, ऐसे ही भगवान बन के आते हैं भाई लोग। मेरे को सुबह से भूख लग रही थी, अब ये 5:45 बजे बंदा आया, खुद से रोका, आगे से वेट कर रहा था, इसने मुझे पहले देख लिया था, और उसने मेरे पीछे आया, ओके बोला भाई खाना वाना खा लो। ओ भाई इसको पता था मुझे भूख लग रही थी, अल्टीमेट यार ऐसे लोग। चलो चलते हैं आगे तरफ, 15 किलोमीटर रह गया। वैसे हम नागपुर पहुँच रहे हैं हमारे, क्योंकि सामने बिल्डिंगें दिखना स्टार्ट हो गई है, एक से एक बिल्डिंगें दिख रही है बड़ी बड़ी, तो नागपुर सिटी पहुँचने वाले हैं। और सामने देखो इतने बड़े बड़े भट्टे हैं जिसमें धुएँ निकल रहे हैं सामने से, तो हम पहुँचने वाले हैं, 12 किलोमीटर रह रहा है मेरे ख्याल से, तो 12 किलोमीटर भी कवर करते हैं। 5:30 हो गए हैं, 6:30 तक हम कंप्लीट कर देंगे आज, तो ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे लिए बना हुआ कि मैंने 125 किलोमीटर एक दिन में कर लिया भाई। टाइम हो रहा है 6, और नागपुर शहर में आपका स्वागत है। तो नागपुर में एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया पूरा आज, और 6 बजे तक 125 किलोमीटर कवर कर दिया तरवाई ने आज। तो देखते हैं अभी आगे रहने का जुगाड़ देखते हैं यार। 6:03 हो रहे हैं, और 6:45 बजे मैं नागपुर पहुंच चुका था, तो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने पार कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे लिए पहले तो कि मैंने 125 किलोमीटर का कर लिया, तो मन में तो ऐसा था कि मैं 65 किलोमीटर करूँगा, ओनली 125 तो करूँगा नहीं, तो 125 ऑलमोस्ट हो गया मेरा आज, तो बहुत बहुत बताइए मुझे। तो भाई आगे बढ़ता रहूँ ऐसे ही, और मोटिवेट जोन होती है ऐसे, आप मेरे को मोटिवेट करते हो कमेंट करके, तो कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आगे चलता हूँ। अभी देखते रहने का जुगाड़ देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे होता है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, 9 बजे हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमें हॉस्टल है बच्चों का, तो इन्हीं के साथ हमें रहने का बंदोबस्त हुआ है। तो हमने 125 किलोमीटर तो चलाई ली थी नागपुर तक, उसके बाद 25 किलोमीटर सिटी में चलानी पड़ी, तो हमने आज 150 किलोमीटर चला ली। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि 150 किलोमीटर चला ली। तो 150 किलोमीटर चलाने के लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर करना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट करो प्लीज़, तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो रहा यार, तुम लाइक वाइक कुछ कर नहीं रहे हो, सपोर्ट करो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय।